फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हो? इंशाल्लाह आप लोग बहुत ही अच्छे से होगे और आप भी अपनी फैमिली में बहुत ही खुशी से रह रहे होगे। मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें और अपनी फैमिली में हमेशा साथ में रहें, मिलजुल कर रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। तो फ्रेंड मेरे चैनल को आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छे अच्छे से कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड आज जो कर्फ्यू लगा था तो वो हमारी हिफाजत के लिए लगा था, तो बहुत ही अच्छा लगा कि इस तरह से कर्फ्यू लगा रहेगा तो लोग बाहर नहीं निकलेंगे और बीमारियां नहीं फैलेंगी। तो काफ़ी अच्छा लगा, इस तरह से अगर जल्द से जल्द कोरोना वायरस इस देश से चला जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो फ्रेंड आप लोग हमेशा मुझे अच्छे अच्छे से कमेंट्स करते हैं, काफ़ी प्यारे प्यारे से कमेंट्स आपके आते हैं और बहुत प्यार दे रहे हैं मेरे चैनल को, सब्सक्राइब लाइक भी आप करते हैं। तो फ्रेंड मेरा एक चैनल और है जिसका नाम है नया जायका, तो उस चैनल पर भी जाएं, मैंने वहाँ काफ़ी अच्छी अच्छी सी रेसिपी डाली हुई है, एकदम यूनिक स्टाइल की मैंने रेसिपी डाली हुई है, इंशाल्लाह आपको वहाँ की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड ज़रूर देखें और फ्रेंड आप इस चैनल को काफ़ी प्यार दे रहे हैं तो मेरे उस चैनल को भी प्यार दें, तो इंशाल्लाह मैं और भी अच्छे अच्छे से व्लॉग लाने की कोशिश करूँगी। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें बताऊँ। आप लोग तो लिखते हो कि आप काफ़ी अच्छे। तो सुबह के टाइम बच्ची ये आ गई थी और काफ़ी मस्ती कर रही है मेरे बेटे के साथ। तो इस तरह से ये आती है तो बहुत अच्छा लगता है और ये हमेशा हमारे घर में खेलती है आकर। तो इस तरह से नखरे बहुत सारे करती है और दो दिन पहले ये टेरिस पे गई थी तो ये बच्ची गिरते गिरते बची है। तो रमज़ान का महीना है तो अल्लाह ताला कुछ गलत तो नहीं होने देंगे, क्योंकि ये बच्ची टेरिस से देख रही थी नीचे और यहाँ पे इसका भाई भी आता है इसके साथ, पहले ये नहीं आता था, जब से बच्ची आ रही है तो ये भी आने लगा है हमारे घर में। इस तरह से आके बैठते हैं, बच्चे खेलते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरह से अभी आना जाना इनका लगा है, स्कूल तो अभी शुरू नहीं हुआ है इनका, तो काफ़ी टाइम लगेगा स्कूल चालू होने में। तो इस तरह से आके यहाँ पे बहुत मस्ती करते हैं और काफ़ी मेरा नुकसान भी कर जाते हैं ये लोग, पाउडर वगैरह लगाते हैं, गिराते हैं। और ये बच्ची आईना देखने का बहुत शौक है, घड़ी घड़ी आईना ज़रूर देखती है ये। तो यहाँ पे मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं नमाज, क्योंकि इबादत का महीना है, इबादत करना बहुत ज़रूरी है और कोरोना वायरस के लिए काफ़ी दुआएं हो रही हैं। तो यहाँ पे मेरा सेकंड नंबर का बेटा भी नमाज पढ़ रहा है और ये जोहर का टाइम है और हमारा वेनेसडे का ये व्लॉग है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आफ्तारी। तो यहाँ पे मैंने आलू दिखाए हुए हैं, सबसे पहले आलू की टिक्की हमने बना ली थी, अभी हम ऑयल में फ्राई कर रहे हैं। तो इस तरह से ये आलू पेटीज बहुत अच्छी बनती हैं और काफ़ी मज़ेदार लगती हैं, इसे वड़ा भी कहते हैं। तो ये आलू वड़े हमारे बनके हो चुके हैं तैयार, काफ़ी मज़ेदार लगते हैं इस तरह से। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चना चिल्ली, तो ये मंचूरियन चना चिल्ली बहुत ही टेस्टी बनता है। मैं इसमें टमाटो सॉस भी डालती हूँ, इमली भी डालती हूँ और ज़ीरा पाउडर, तो इस तरह से बहुत अच्छा बनता है। और यहाँ पर मैं मटर दिखा रही हूँ, ये बॉयल हो चुके हैं। यहाँ पे मैं प्याज के पकौड़े दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या बनाया है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मटर, चने, और हमने आलू वड़े बनाए हैं। यहाँ पर मैंने प्याज के पकौड़े दिखाए हुए हैं
रसना शरबत बनाया है। और यहाँ पे मैंने दही वड़े भी बनाए हुए हैं, नींबू का पानी भी बनाया हुआ है, नींबू का शरबत। तो इस तरह से सारी चीज़ें आफ्तारी में बनती हैं हमारे घर में। तो सारी आफ्तारी तैयार हो चुकी है बनकर। तो चटनी वगैरह भी बनाते हैं इस तरह से। और यहाँ पे मैं पालक के पकौड़े दिखा रही हूँ, ये पालक के हैं। और आज का डिनर है हमारी बिरयानी। तो रात में हमने ये बिरयानी बनाई थी डिनर में। यहाँ पर बच्चे रोज़ा खोलने की तैयारी में हैं, अजान होने वाली है, थोड़ा सा ही वक्त बचा है। तो दिन भर की इबादत के बाद रोज़ा खोलना काफ़ी अच्छा लगता है और अल्लाह की इबादत हमें करना भी चाहिए। और ये महीना है बरकतों का, तो बरकत का महीना है। नमाज इबादत बहुत ज़रूरी होती है और जो दुआएं मांगेंगे ज़रूर कबूल होगी। ये ब्लॉग लगा कैसा? ब्लॉग पसंद आया तो करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट।